स्कूल में चल रही अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री, पुलिस ने मारा छापा, चार आरोपी गिरफ्तार। डिलारी थाना क्षेत्र नाखूनका का है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने एक स्कूल में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापा मारकर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध हथियार और उन्हें बनाने की मशीनरी बरामद की है। असलाह फैक्ट्री पकड़ने वाली पुलिस टीम को अधिकारियों ने तुरंत ही सम्मानित कर दिया, लेकिन पकड़े गए चारों आरोपियों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें झूठा फंसाया है। असलाह फैक्ट्री स्कूल का प्रबंधक और एक अन्य व्यक्ति चलाता है, जिसकी उन्होंने शिकायत की थी। मुरादाबाद के डिलारी थाना के इलाके की पुलिस ने मुकेश, प्रशांत, जयपाल और राजाराम नाम के जिन चार आरोपियों को अवैध असलाह फैक्ट्री चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद मीडिया को बताया कि वह तो पढ़े लिखे हैं और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं। पब्लिक स्कूल का संचालक धर्मानंद भटनागर स्कूल में हथियार बनाने की फैक्ट्री चलवाता है। हमने पुलिस से शिकायत करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें जान से मरवा देने की धमकी दी थी। पुलिस ने हमें पूछताछ के लिए बुलाया था और हमें ही केस में फंसा दिया। हथियार बनाने का काम कोई और करता था, हम सिर्फ वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। पुलिस का कहना है कि हथियार फैक्ट्री का सरगना और एक मुख्य आरोपी, दो लोग मौके से फरार हो गए, उन्हें जल्दी ही गिरफ्तार किया जाएगा। तुरंत ही पुलिस अधिकारियों ने इस असलाह फैक्ट्री का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को सम्मानित भी दिया। पढ़ाते मुझे अभी कुछ दिन पहले ही पता लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। जब मुझे मैंने बताना चाहा तो जो प्रबंधक महोदय हैं धर्मानंद भटनागर जी, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। तो डर के मारे मैं जो मेरे संज्ञान में आया थोड़ा वो बता नहीं पाया। ये मेरी बहुत बड़ी गलती हुई। फिर जो है फिर किसी तरह पर कल सर ने मुझे इंक्वायरी के लिए भैया प्रशांत क्या क्या है, तो सर ने इंक्वायरी के लिए सीधे यहाँ आ गए। मतलब ये बताओ तूने क्या असलाह फैक्ट्री की पुलिस से शिकायत की थी कि यहाँ पे अवैध असले बन रहे हैं? सर शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने हमें मारने की धमकी दी थी। क्या शिकायत की थी तुमने, किससे कहा था? मैंने उनसे वही उन्हें पता लगा ना कि इससे पता लग चुका है, तो उन्होंने कह दिया था हमसे अगर तुमने बताने की कोशिश करी तो जान से मार दिया। ये धर्मानंद भटनागर है, धर्मानंद भटनागर वो कौन है? वो इसके प्रबंधक है, सब उन्हीं के संरक्षण में हो रहा था। हाँ, आनंद पब्लिक स्कूल। स्कूल में चल रहा था। ये बताओ ये स्कूल में बनते थे हथियार? जी स्कूल में बनता था सर। अच्छा, कौन कौन बनाता था? ये सर उनके संरक्षण में होता था, धर्मानंद भटनागर। तीन और लोग हैं आपके अलावा, क्या ये बनाते थे या कोई और बनाते थे? ये हमारे अलावा कोई और थे, वो उन्हें अच्छी तरह जानकारी। आप चारों लोग जो हो आप हथियार नहीं बनाते थे? हम तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ाए जाते थे, 3:30 से 4:30 में इंग्लिश का ट्यूशन देता था और पढ़ा के आ जाता था। ये तीन और जो लड़के आपके साथ पकड़े गए हैं, ये इनको जानते हो आप? ये सर ये भैया ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ, ये इंग्लिश ट्यूशन पढ़ाते हैं। तो फिर पुलिस ने आपको क्या पकड़ा? क्या प्रबंधक के कहने पे पुलिस ने आपको फंसा दिया जो झूठे केस? नहीं, ऐसा कुछ सर, वो इंक्वायरी के लिए बुलाया था। इंक्वायरी के लिए बुलाने के लिए फिर यहाँ ले आए थे हमको। थाना अध्यक्ष डिलारी और उनकी टीम द्वारा आनंद पब्लिक स्कूल डिलारी में दबिश दे करके वहाँ शस्त्र फैक्ट्री बरामद की गई है। इसमें चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, दो अभियुक्त भाग गए हैं। वहाँ मौके से अर्धनिर्मित, निर्मित और शस्त्र बनाने के सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिले हैं। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार ऐसा जानकारी हुई है कि एक अभियुक्त जो फरार हुआ है उसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है और शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुका है। हाँ, इसमें वो भी आरोपी है और वो भाग गया है, उसकी गिरफ्तारी के हम पर हमारे द्वारा प्रयास किया जाए। अब ये उनका कहना है, लेकिन हमारे साक्ष्य में उनके हमारे विवेचना में उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, उनको गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अर्धनिर्मित और निर्मित करीब 50 से ऊपर असलहे बरामद हुए हैं। सर, आगामी चुनाव होने वाले हैं नगर पंचायत, तो उसमें भी कुछ इनकी। अब ये जो एक फरार अभियुक्त है उससे पूछताछ के बाद जानकारी मिलेगी कि इसके अन्य प्लानिंग क्या थी। और फरार है, उसका नाम क्या है और उसका अपराधिक इतिहास क्या है? ये शमसी करके है, इसका नाम।